Hi student, welcome to RCI Ajuhab online classes. Chapter 8th, topic hai cell wall. Kosika bhitti. Kosika bhitti jo hoti hai, wo kavakon aur padapon. कवक और पादप जो पाए जाते हैं इनमें जीव द्रव्य कला, कवकों व पादपों में जीव द्रव्य कला जो है इसके बाहर की ओर एक आवरण पाया जाता है जो कि दृढ़ और निर्जीव होता है. दृढ़ व निर्जीव आवरण होता है, उस आवरण को बोलते हैं कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल बोलते हैं. इसके अंदर कवक जो होते हैं, कवकों में कोशिका भित्ति का निर्माण जो होता है वो पॉलीसेकेराइड सेलुलोज से होता है. पॉलीसेकेराइड व सेलुलोज से होता है. शैवाल में कोशिका भित्ति जो होती है, शैवाल के अंदर कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है. सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है. पादपों में कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है वो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज आदि के द्वारा होता है. सेलुलोज और हेमिसेलुलोज आदि से होता है. कोशिका भित्ति का संगठन, कोशिका भित्ति जो होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है वो हम देखेंगे. यहां कोशिका भित्ति चार स्तरों से मिलकर बनी होती है. इसमें चार स्तर पाए जाते हैं. संगठन फर्स्ट, मध्य पटली का, मध्य पटली का जिसका प्रथम आवरण होता है. सेकंड, इसके अंदर प्राथमिक भित्ति, प्राथमिक भित्ति. थर्ड, द्वितीयक भित्ति. फोर्थ है तृतीयक भित्ति. इसमें सबसे पहले मध्य पटलिका जो होती है यह कोशिका विभाजन के बाद संतति कोशिका के बीच, कोशिका विभाजन जो होता है उसके बाद में बनने वाली जो संतति कोशिकाएं होती हैं, उन संतति कोशिकाओं के बीच बनने वाली प्रथम भित्ति के बीच प्रथम भित्ति होती है. जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के बाद कोशिका है, कोशिका विभाजन के बाद दो कोशिकाओं में जब ये बढ़ जाती है तो बीच में दोनों का समान रूप से इसके ऊपर अधिकार रहता है. तो ये जो बीच वाला जो पार्ट है, प्रथम भित्ति का निर्माण जो होता है वो मध्य पटली का इसमें कहलाती है. यह जेली समान पैक्टेट, और पैक्टेट जो होता है वो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से इसका निर्माण होता है जो कि जेली समान पदार्थ होता है. फल जो होते हैं जब ये परिपक्व होते हैं या पकते हैं उस समय यहां पर इसकी जो मध्य पटलिका होती है वो घुल जाती है अर्थात डिजोल्व हो जाती है जिससे फल कोमल हो जाते हैं. फल कोमल पूछा भी जा सकता है, फल जो होते हैं वो कोमल क्यों होते हैं? क्योंकि फल जब परिपक्व होता है तो इस पर पाए जाने वाले जो मध्य पटलिका है वो डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है जिससे फल कोमल हो जाते हैं. इसके बाद आता है प्राथमिक भित्ति. प्राथमिक भित्ति जो होती है यह पतली लचीली कोमल, पतली होती है, लचीली होती है और कोमल होती है. पतली
लचीली और कोमल, जिसका निर्माण सेल्लोस, हेमिसेल्लोस और पेक्टिन इनसे होता है। यानी कि सेल्लोस, हेमिसेल्लोस और पेक्टिन मिलकर कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। इसमें वृद्धि करने की क्षमता पाई जाती है, यानी कि इसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, और लगातार विभाजन करने से इसके अंदर लगातार वृद्धि होती रहती है। ये वृद्धि जो होती है वो एक सीमा तक, एक सीमा, एक स्टेज आती है जिसमें जैसे जैसे प्राथमिक भित्ति परिपक्व होती जाती है, जैसे जैसे विकसित होती जाती है, वैसे वैसे इसमें विभाजन की क्षमता या फिर वृद्धि करने की जो क्षमता होती है वो कम होती जाती है। जैसे जैसे ये परिपक्व होती जाएगी वैसे वैसे इसमें वृद्धि करने की क्षमता कम होती जाएगी। इसके बाद द्वितीयक भित्ति, द्वितीयक भित्ति का जो निर्माण होता है वो प्राथमिक भित्ति से ही होता है। आगे चलकर प्राथमिक भित्ति जो होती है वो पूर्ण रूपेण जब परिपक्व हो जाती है और उसमें वृद्धि करने की क्षमता बिल्कुल समाप्त हो जाती है तो जाकर निर्माण होता है द्वितीयक भित्ति का। द्वितीयक भित्ति जो है ये लिग्निन और सुबेरिन इसमें भरा रहता है, लिग्निन, लिग्निन सुबेरिन इसमें पाया जाता है। और ये भित्ति जो है इसके अंदर अकार्बनिक लवण टेनिन, गोंद, मोम आदि इसमें उपस्थित होते हैं। टेनिन, रेनिन, गोंद अकार्बनिक लवण ये इसके अंदर पाए जाते हैं। ये कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है, कठोर होती है जैसे इसको दृढ़ता प्रदान करती है। लास्ट इसका तृतीयक भित्ति, तृतीयक भित्ति जो है वो द्वितीयक भित्ति के अंदर की ओर स्थित होती है और जाइलोन से बनी होती है। इसका निर्माण जो होता है वो जाइलोन, इसका निर्माण जाइलोन से होता है और जीव द्रव्य के सूखे स्तर को प्रदर्शित करती है। सूखा स्तर है जीव द्रव्य का, उसको ये प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से कोशिका भित्ति जो है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।